in this example figures a and b shows refraction of a ray in air incident at 60 degree with the normal to a glass air and water air interface respectively predict the angle of refraction in glass when the angle of incidence in water is 45 degree with the normal to a water glass interface पहले आपके पास ये तीन डायग्राम्स दी हुई हैं सबसे पहले हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं यहाँ पे ध्यान दें आप लोग पहले केस में ये बोल रहा है आपके पास जो इंटरफेस है वो ग्लास और एयर है देखिए ये ग्लास और एयर है मतलब एयर से इंसिडेंट रे आपकी ये आ गई जी इंसिडेंट रे आ रही है और ये आपके पास है रिफ्रेक्टेड रे तो ये रेरर से डेंसर की तरफ जा रही तो ये बैंड होगी टुवर्ड्स तो नॉर्मल की तरफ यहाँ देखें एंगल सिक्सटी डिग्री है इंसिडेंट और यहाँ पे रिफ्रेक्शन एंगल थर्टी डिग्री है दूसरे केस में बोल रहा है वाटर और एयर इंटरफेस है आपके पास तो यहां से रेयर मीडियम मतलब ऊपर लिया हुआ है इस टाइम पे तो ये बैंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ क्योंकि रेरर से डेंसर की तरफ जा रही है थर्ड केस में आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे मीडियम जो दिए हुए एक वाटर दिया और दूसरा ग्लास दिया हुआ है अब जो रे है आपकी वाटर से जा रही है कहा किसकी तरफ कौन से मीडियम की तरफ ग्लास की तरफ जा रही है तो यहाँ पे वाटर को इसने रेरर माना हुआ है और ग्लास को डेंसर माना हुआ है डायग्राम से अगर हम देखें थोड़ा सा ध्यान दें तो तो बच्चे ये आपके पास आ गई इंसिडेंट रे और ये आपके पास है रिफ्रेक्टेड रे ये आपके पास है इंसिडेंट रे और ये है आपके पास रिफ्रेक्टेड रे तो आपको ये एंगल थीटा निकालना है यहाँ पे देखिए ये किस तरह से मिलेगा हमें ये मिल जाएगा बच्चे स्नेल्स ला से यहाँ लिखता हूं मैं अगर बाई यूजिंग ला देखिए स्नेल्स ला लगाने से पहले आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा म्यू कब लेना है कैसे लेना है देखो उस लफड़े में आपको नहीं पढ़ना है आपको सिर्फ एक ही ध्यान देना है आपको लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ साइन साइन का प्रोडक्ट लेना है साइन का वो एंगल जो लाइट रे बना रही है नॉर्मल के साथ है ना विद नॉर्मल एंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज कॉन्स्टेंट मतलब जिस मीडियम का साइन ऑफ एंगल लोगे आप लोग जैसे अगर मैं यहां इस फर्स्ट वाली डायग्राम पे लगाता हूं जैसे फिगर ए पे लगाता हूं तो इस मीडियम का साइन ऑफ एंगल कितना है साइन 60 ये मैंने एयर मीडियम के लिए और इसी एयर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा कॉन्स्टेंट हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू इसके बराबर होगा म्यू ऑफ ग्लास और इस मीडियम का एंगल क्या होगा साइन ऑफ 35 डिग्री ये आपके पास इस तरह से आ गया फॉर एग्जांपल जैसे आप इस पे अगर आपने स्नेल्स लाल लगाना है तो यहां पे लिखोगे आप लोग म्यू एयर का म्यू एयर का यहां मैंने g डाल दिया यहां मुझे a डालना है म्यू एयर का sin 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू वाटर का sin 47 डिग्री अब फिगर c पे अगर आप लोगों ने स्नेल्स लाल लगाना है तो यहां क्या लिखोगे म्यू वाटर का साइन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू म्यू ग्लास का साइन थीटा ये थीटा आपको मिलेगा देखो ये किस तरह से मिलेगा पहले अगर आपको ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मिल जाए वाटर और ग्लास का वाटर और ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां से आपके पास ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा इससे और यहां से आपके पास वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें पता है कितना होता है वन होता है हम वन लेते हैं ठीक है

तो बच्चे ये आपके पास यहां लिख सकता हूं मैं म्यू ग्लास आपके पास आ जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 35 फाइव साइन सिक्सटी आपको पता है रूट थ्री डिवाइड बाई टू होता है है ना और साइन 30 देखो साइन 30 तो आपको पता है वन बाई टू होता है और 35 है तो वन बाई टू से इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी है ना थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि ये जो वैल्यूज होंगी आपको ये साइन टेबल से ही मिलेंगी और आपको गिवन दी होंगी अगर इस तरह की एग्जाम्पल है उसने अगर इस तरह से एंगल्स दिए हुए हैं तो उसकी वैल्यूज भी उसने आपको गिवन दी होगी तो यहाँ पे देखिए बच्चे साइन सिक्सटी की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स जीरो डिवाइडेड बाई साइन थर्टी फाइव होता है जीरो पॉइंट फाइव सेवन थ्री सिक्स जब इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे म्यू ग्लास का बच्चे आ रहा है 1.51 और ये क्या आपके पास ये प्योर रेशियो होती है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसके साथ यूनिट लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये रिलेटिव टर्म है ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे यहां से इस केस में हम लोग लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास म्यू वाटर का आ जाएगा तो बच्चे म्यू एयर का आपके पास तो वन है तो यहां लिख सकता हूं मैं म्यू वाटर इज इक्वल टू तो साइन सिक्सटी डिवाइडेड बाई साइन फोर्टी सेवन डिग्री Sign की वैल्यू वन से कभी ज्यादा नहीं होती है क्यों क्योंकि हमें पता है जो साइन थीटा होता है, है तो वाली वाली साइन तो की वैल्यू हमेशा one से one के बीच में ही लाई करती है साइन और तो यहाँ पे देखें ध्यान से तो म्यू वाटर का बच्चे आपके पास आ जाएगा साइन सिक्सटी साइन सिक्सटी आपके पास अभी लिखा आपने जीरो पॉइंट एट सिक्स जीरो और साइन फोर्टी सेवन हो जाएगा बच्चे जीरो पॉइंट सेवन थ्री वन फोर जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो म्यू मेरे पास वाटर का आ रहा है 1.32 अब म्यू वाटर का भी आ गया और ग्लास का भी आ गया अब सी के यहाँ पे देखते हैं ध्यान से हम लोग तो यहाँ पे अगर आप लोग ला लगाओगे तो म्यू वाटर म्यू वाटर का कितना निकाला आपने 1.32 पॉइंट थ्री टू साइन फोर्टी डिग्री इज इक्वल टू म्यू ग्लास का म्यू ग्लास का निकाला आपने 1.51 पॉइंट फाइव वन थीटा तो आपको साइन थीटा निकालना है तो बच्चे साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 1 sin 45 कितना होता है बच्चे तो यहां से जब आपको कैलकुलेट करते हो जो न्यूमेरिकल रिजल्ट आता है हमारे पास वो आता है जीरो पॉइंट सिक्स वन एट वन के बराबर तो यहाँ लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स के टेबल से आपको ये चीज मिल जाएगी या साइंटिफिक कैलकुलेटर से मिलेगी तो इसके लिए इसलिए इसलिए ऑलरेडी इसने आपको वैल्यूज ये दी होंगी या इसने एंगल ही इस तरह से दिए होंगे कि आप निकाल सकते हो 47 इस तरह से एंगल नहीं दिए होंगे 30 दे सकता है 60 दे सकता है 45 दे सकता है 37 दे सकता है 53 दे सकता है जिसके आपकी वैल्यूज पता होती है आपको ठीक है तो साइन इनवर्स आपके पास ये आ गया जीरो पॉइंट सिक्स वन एट वन जब इसकी वैल्यू देखते हो तो थीटा आपके पास आता है थर्टी एट पॉइंट टू डिग्री ये आंसर आ गया हमारे पास तो यहां पे ये वाला एंगल होगा आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कि किस तरह से लगाना है। देखो मैंने यहां दिखाया आपको स्नेल जला क्या बोलता है जैसे अगर स्नेल बोलता है कि म्यू और साइन थीटा ये हमेशा क्या होगा कॉन्स्टेंट मगर ये किसके लिए लगाना किसी एक मीडियम के लिए जैसे अगर आप एयर के लिए लगा रहे हो तो यहां जैसे मैं अगर इंसिडेंट ले कर रहा हूं तो म्यू आई उस इंसिडेंट रे जहां से जा रही है उसका और साइन थीटा आई उसके लिए तो इस तरह से आपने इस तरह से देखना है है जैसे जैसे लिखते हैं जैसे लिखते हम हम ठीक म्यू वन अपान म्यू टू बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं म्यू वन कहा लेना है म्यू टू कहां लेना है तो इस लफड़े में ही मत पड़ो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला याद रखो कि उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और उसी मीडियम में जो एंगल है वो क्या होगा कॉन्स्टेंट इस चीज का आपको उसका साइन ऑफ एंगल नॉर्मल के साथ होना चाहिए तो बच्चे ये आपके पास है यहाँ पे आंसर आ गया थर्टी एट पॉइंट टू डिग्री